नमस्कार, मैं श्वेता वर्मा भाषा ज्ञान में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए स्वर री की कहानी। री हिंदी वर्णमाला का सातवां स्वर है। यह ह्रस्व स्वर होता है। इसका उच्चारण करते समय कम समय लगता है। री की मात्रा व्यंजनों के नीचे से दाएं ओर घूमती वक्र रेखा होती है। री की मात्रा की बनावट और उच्चारण का पर्याप्त अभ्यास सीखने वाले को करवाना आवश्यक है, क्योंकि यह न केवल री की मात्रा का ज्ञान कराता है, बल्कि उ और ऊ की मात्रा से विभेद करने में मदद करता है। री की मात्रा का उच्चारण रि की तरह होता है। यह संस्कृत भाषा से आए शब्दों में अधिक प्रयोग किया जाता है। री की मात्रा का प्रयोग करते समय मात्रा को स्पष्ट दिखाना उचित रहता है, जिससे बच्चे में मात्रा की आकृति स्पष्ट हो सके। उचित होगा कि लिखते समय उच्चारण भी करवाया जाए, लेकिन लिखने से पहले पहचान पर कार्य करवाना चाहिए। तो चलिए री की मात्राओं का प्रयोग करते हुए एक कहानी सुनते हैं। किसी जंगल में एक ऋषि मुनि रहते थे। वह एक वृक्ष के नीचे तप किया करते थे। वह उदार हृदय और दूर दृष्टि रखते थे। एक बार उनके जंगल में एक मृग जाल में फंस गया। जाल कृषक का था। कृषक कृपाण लेकर मृग को लेने आया। ऋषि को बड़ा क्रोध आया। फिर भी वह कृषक से मृदुल स्वर में बोले, कृपा करके मृग को छोड़ दें। मृग हमारे जंगल की शान है। हर जीवित प्राणी को पृथ्वी में जीने का अधिकार है। कृषक को ऋषि की बात समझ आ गई। कृषक ने दृढ़ निश्चय किया कि वह फिर कभी किसी प्राणी को हानि नहीं पहुंचाएगा। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? तो चलिए कहानी में आए री की मात्रा के शब्दों को दोहराते हैं। ऋषि, वृक्ष, हृदय, दृष्टि, मृग, कृषक, कृपाण, मृदुल, कृपा, पृथ्वी, दृढ़। अभ्यास कार्य देखिए। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऋषि मुनि किसके नीचे तप किया करते थे? प्रश्न दो, जाल में कौन फंस गया? प्रश्न तीन, जाल किसका था? प्रश्न चार, किसको क्रोध आया? प्रश्न पांच, प्राणियों को जीने का अधिकार कहाँ है? तो इन प्रश्नों के उत्तर आप जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद बच्चों, अगली कहानी में मिलते हैं। धन्यवाद।